हेलो फ्रेंड्स, मैं जयमरा स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एज स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैंने 8.1 के ट्रिग्नोमेट्री के 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन दे दिए थे, तो चलिए आज चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 15 cot A = 8 हो, 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या दिया है हमारे पास, 15 cot A = 8 ये दे रखा है। तो ध्यान दीजिए, ये 15 cot के साथ गुणे के रिलेशन में है, तो बराबर किधर जाएगा, तो भाग होगा। तो cot A बराबर, इधर तो 8 है ही, देखिए यहाँ पे 15 क्या है, गुणे के रिलेशन में है, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, 8/15 हो गया। हम इसको काट के छोटा कर सकते हैं, तो दशमलव में जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो cot A बराबर क्या हमारा 8/15 आ गया। अगर हम इसके बराबर करें तो क्या होगा, cot A cot थीटा का बराबर, हम फार्मूला लिख के फिर से बताते हैं आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का, ये तो कहा था हमने, यहाँ पे साइन cos tan cot sec cos दिया क्या है, cot A, ये तो हमने पहले भी कहा था इक्वल टू थीटा होता है, कुछ भी हो cot थीटा बराबर cot A। तो cot कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हम लिख सकते हैं इसको, आधार बटे लंब, अर्थात आधार बराबर 8 है, लंब बराबर 15 है। तो हम एक फिगर बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, cot A कह रहा है, cot A इसका मतलब क्या है, ये जो आधार है हमारा 8 है और लंब क्या है 15 है। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि आधार बटे लंब कह रहा है, तो लंब और आधार में डिनोट करना पड़ता है कैसे, थीटा के अनुसार। cot A, A कहाँ पे रखना है, अगर हम A को यहाँ पे रखते हैं तो थीटा हमारा यहाँ होगा, थीटा यहाँ होगा तो लंब हमारी ये होगी, तो लंब ये होगी, तो लंब कितना दिया है 15, तो ये 15 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब A हो गया तो हम BC रख सकते हैं खुद से। चलिए अब आधार क्या होगा, अगर थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो जो बचता है इधर, ये हमारा आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या, कर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमारा त्रिभुज है, ये भुजा पता है BC और ए भी पता है 8 है, AC नहीं पता, हम AC को सबसे पहले निकालेंगे। तो AC को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता हमारा, देखिए कर्ण ही तो निकालना है, तो हमें पता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है AC है, तो AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार क्या हमारा 8 है, तो आधार का नाम क्या है AB है, तो आधार AB का वर्ग प्लस हमारा लंब BC का वर्ग, BC का वर्ग। देखिए मैं बार बार कर्ण आधार लंब ये सब नहीं लिख रहा हूँ, आप अब तक समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। AC हमारा बड़ी भुजा, सबसे तेज कर्ण है, तो AC का नाम लिख दिया, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर। AB हमारी क्या है, AB ये हमारी आधार है, तो AB का आधार का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस लंब हमारा 15 सेंटीमीटर, BC ये है, तो BC का स्क्वायर हमने कर दिया। अब हमको नाम पुट करना है, चलिए AC पता है नहीं पता यही निकालना हमको, AB कितना दे रखा है, AB 8 दे रखा है, तो 8 अंदर ब्रैकेट के रहेगा, स्क्वायर तो 8 × 64 प्लस BC का स्क्वायर, तो BC हमारा कितना है 15, 15 ही हमें कितना होगा 225, ये हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 80 89 5 4 9 6 2 8 2 289 बराबर 289। तो AC बराबर क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल, तो 289 पे अंडर रूट वर्गमूल चला जाएगा, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 × 17 = 289। तो AC बराबर हमारा क्या आ गया 17। अब यहाँ पर देखिए, ना तो सेंटीमीटर दिया ना कुछ दिया है, तो हम इसको ऐसे रखते हैं, अगर सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर रखते, मीटर होता तो मीटर रखते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा AC बराबर 17 आ गया। तो चलिए इतना हो गया, अब हमें इन सब से कुछ लेना देना है नहीं लेना देना, इतना तो हमने कर लिया, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
पूछा क्या है, अब देखते हैं। कह रहा है, हमने तो सबसे पहले तीनों एंगल्स, तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको क्या कर सकते हैं, एल बटे के। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, लंब बटे कर्ण तो हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हम लिख भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा पे ए रखा है, इसका मतलब क्या, थीटा ए के स्थान पर होगा, तो थीटा यहाँ होगा तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये सामने की भुजा बी सी लंब हो जाएगी, तो बी सी का माप कितना है, 15 है, तो 15 हो गया बटे में कर्ण हमारा 17, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेक ए बराबर, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर, अब सेक ए बराबर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण को के से अपान में आधार को इसे, देख लीजिए यहाँ पर सेक है, सेक बराबर क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार की बात करें तो अब यहाँ पर देखिए आधार ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थीटा क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर ए, सेक ए दिया है तो थीटा यहाँ होगा तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन सा हुआ, ये हुआ, ये तो होने से था क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो आधार हमारा ये हो गया 8, तो आधार नीचे है तो 8 नीचे होगा, ऊपर कर्ण है तो कर्ण हमारा 17 है, तो ये 17 17 बटे 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।